ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्र में मंत्री पद पर ताजपोशी क्या हुई, उनकी तुलना टाइगर से होने लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन तस्वीरों को देखिए, कटआउट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर है और साथ में एक टाइगर भी दहाड़ मार रहा है। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में टाइगर की फोटो के साथ सियासत खूब परवान चढ़ती देखी गई है। ऐसे में अब चर्चा ये हो रही है कि क्या सियासत के टाइगर की केंद्र की राजनीति में एंट्री करा दी गई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाइगर की फोटो ने होर्डिंग को आकर्षक जरूर बनाया है, पर ये सवाल है कि ये टाइगर क्या आने वाले वक्त में प्रदेश में भी दहाड़ लगाएगा। निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में दबे पांव बयानबाजियों को हवा मिल रही है। आपको बता दें कि वैसे भी प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक खास वर्चस्व रहा है। ये वर्चस्व कई बार परिवार और उस कुनबे की वजह से रहा है जिससे वो ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ये टाइगर क्या राज्य से केंद्र पहुंच गया या वापस दहाड़ लगाने के लिए राज्य में भी वापसी होगी? निश्चित रूप से इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। फिलहाल इस नए घटनाक्रम पर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों की नजर बनी हुई है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से अभय शर्मा की रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्र में मंत्री पद पर ताजपोशी क्या हुई, उनकी तुलना टाइगर से होने लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन तस्वीरों को देखिए, कटआउट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर है और साथ में एक टाइगर भी दहाड़ मार रहा है। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में टाइगर की फोटो के साथ सियासत खूब परवान चढ़ती देखी गई है। ऐसे में अब चर्चा ये हो रही है कि क्या सियासत के टाइगर की केंद्र की राजनीति में एंट्री करा दी गई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाइगर की फोटो ने होर्डिंग को आकर्षक जरूर बनाया है, पर ये सवाल है कि ये टाइगर क्या आने वाले वक्त में प्रदेश में भी दहाड़ लगाएगा। निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में दबे पांव बयानबाजियों को हवा मिल रही है। आपको बता दें कि वैसे भी प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक खास वर्चस्व रहा है। ये वर्चस्व कई बार परिवार और उस कुनबे की वजह से रहा है जिससे वो ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ये टाइगर क्या राज्य से केंद्र पहुंच गया या वापस दहाड़ लगाने के लिए राज्य में भी वापसी होगी? निश्चित रूप से इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। फिलहाल इस नए घटनाक्रम पर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों की नजर बनी हुई है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से अभय शर्मा की रिपोर्ट।